चर्च के इस तरफ में है, तो चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। ये हम लोग सत्यनारायण मंदिर पहुँच चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे मेला लगा हुआ है और आज इतनी भीड़ है यहाँ पर। हम लोग ने पहले पूजा कर ली है, मैं बाद में ब्लॉग शूट कर रही हूँ। देखिए करवा चौथ का भी पूरा सामान मिल रहा है यहाँ। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, आज ग्रहण भी लगा हुआ है, जिस वजह से सभी महिलाएं जल्दी पूजा कर रही हैं। हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं और आप भीड़ देख सकते हैं। प्रसाद दे दी तुम लोग, दे दी वो जो छह वाला नहीं दिया हम तो कर लिए, बस बस दे के आ गए। ये है मंदिर, आप देख सकते हैं भीड़ इतनी ज्यादा है। अब हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। बहुत देर लाइन लगाने के बाद में अब हमारा नंबर आया है, तो हम लोग विधि विधान से पंडित जी के साथ में पूजा करेंगे। और ये रहे पंडित जी, और अब हमारी पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, राधे राधे, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक शरण पूर्ण में नामक एक व्रत लाता हूँ, जिसको करने से मनुष्य जाति का कल्याण होगा। वह व्रत का नाम दूसरे राष्ट्रों में, मतलब जैसे अपने मध्य प्रदेश में सुनाया जाता है, क्या सुनाया जाता है, जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, ऐसे ही दूसरे स्टेटों में इसको कोजागार व्रत भी कहते हैं, कोजागार व्रत भी कहते हैं। और इसका विधि क्या है सुनिए। एक सुभद्रा नाम कथा, सुभद्रा नाम की एक पंडित है, मथुरा नगरी में निवास करती है, कहाँ करती थी, मथुरा नगरी में, मथुरा नगरी में निवास करती थी। वहाँ ओम जय लक्ष्मी रमणा होने के बाद में अब हवन हम लोग को यहाँ पर लगाना है अलग से, तो हम लोग हवन के लिए आए हुए हैं। वहाँ पर भी हमें लाइन लगानी पड़ रही है। देखिए पहले सब लोग हवन लगा रहे हैं, फिर हमारा नंबर आएगा। तो चलिए हम हवन का इंतजार करते हुए हम लोग, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। और हमारे जाने के मतलब आने के पहले ही भगवान की पट भी बंद कर दिए गए, क्योंकि मंदिर में इतना ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि अंदर प्रवेश मुश्किल था। आप देख ही रहे हैं मतलब, तो जगह जगह पंडित जी कथा सुना रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे बंद कर दिया गया, मतलब अंदर महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। और इस बार तो हम लोग जो माता जी के अपने पेड़े बदलते हैं राधा माता रानी से, तो वो भी पेड़े नहीं बदल पाए हैं। मैंने तो वहीं पे एक मुझे नए सहेली मिल गई थी, तो मैंने उन्हीं से पेड़े बदल लिए। इतना इंतज़ार करने के बाद फाइनली बहुत मुश्किल से हम लोग को जगह मिली। उसमें भी महिलाएं कह रही यहाँ से चले जाओ, वहाँ से चले जाओ, लेकिन हम लोगों ने फिर आखिर हवन कर ही लिया। और हवन करने के बाद हम चलेंगे शंकर जी के मंदिर। और अब ये शंकर जी के मंदिर जाया जा रहा है। लाइन इतनी लंबी है, इसलिए देखो श्रुति, रीना दीदी ये सब बाहर से ही पूजा कर रही है। ये आप लाइन में आपको किनारे से दिखा सकती हूँ। ये देखिए आप यही पे पूजा कर रहे हैं। आपको लाइन देखिए मैं घर से दिखाती हूँ साइड से। ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है।
और अब आप देखिए करवा चौथ की भी बाजार वहाँ सत्यनारायण मंदिर में लगी हुई थी, करवा भी मिल रहे हैं और पूरा माता रानी का सिंगार भी मिल रहा है, छन्नी भी मिल रही है क्योंकि अब करवा चौथ आने वाला है। हमारी पूजा सत्यनारायण भगवान की हो चुकी है और अब बस हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, राधे राधे।